यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये सुना आपकी टीम आपकी मैनेजमेंट से कि अगर अर्बन हाइट्स में डाउन पेमेंट के साथ पोजेशन अमाउंट भी अगर क्लाइंट पे कर देते हैं तो उनको कब्जा जल्दी मिल जाएगा और वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन अली मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के CEO अब्दुल मनान भट्टी साहब, और आज हम इनके कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो मैं बहरिया टाउन सेक्टर बी के उमर ब्लॉक में हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन एंड बिल्ड के 3 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और एक चौथा प्रोजेक्ट जो है वो इनके पाइपलाइन में शामिल हुआ है जिसको ये ऑन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र आपने जी माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो कि आप वन बाय वन काफ़ी प्रोजेक्ट्स में वो लेकर आ रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर, और एंड यूज़र्स और इन्वेस्टर्स के लिए आप काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ में वो पैदा कर रहे हैं। तो अभी हम चूँकि उमर ब्लॉक में मौजूद हैं और बैकग्राउंड पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि मदीना हाइट 4 इस वक्त जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे कि ये कैसा प्रोजेक्ट है आपका, इसकी फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदीना हाइट 4 हमारा 2022 दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था। अब आप देख सकते हैं कि इसके सिर्फ 2 फ्लोर रह गए हैं और 95% ये सोल्ड आउट है। कोई 2-3 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, कमर्शियल इसका सोल्ड कमर्शियल इसका सोल्ड आउट है। ये प्री लॉन्च पे कमर्शियल इसका सोल्ड आउट हो गया था। हमने इसकी लॉन्चिंग पे मदीना हाइट 5 का कमर्शियल दिया था, वो भी 21 दिन में सारा सोल्ड हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा हमारे मेन बुलेवार्ड पे एक मदीना हाइट 3 प्रोजेक्ट है जो 42 नंबर पे है उमर ब्लॉक की मेन बुलेवार्ड पे, और मदीना हाइट 5 15 16 एंड 17 प्लॉट नंबर पे है। कल उसकी बेसमेंट की राफ्ट का जो है कंक्रीट का काम होगा, स्टील वर्क कंप्लीट है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नए प्रोजेक्ट का हमने दुआ की है, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा इसमें। बिल्कुल जी, आपको अल्लाह ताला कामयाब करें। आपकी जर्नी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और आपकी डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम है, हम इससे पहले देख चुके हैं। बिल्कुल मनान साहब बता रहे हैं कि मदीना हाइट 4 जो बिल्कुल आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं और जो ग्रीन कलर की फेंस आप देख रहे हैं, ये मदीना हाइट 5 की लोकेशन है। ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन आपको उमर ब्लॉक बहरिया टाउन के सेक्टर बी में मिलेंगे, जो कि LDA से अप्रूव्ड है, TMA से अप्रूव्ड है, और इनकी अगर कंस्ट्रक्शन पेस की बात की जाए तो बहुत ही फास्ट है। आज चूँकि हम इनके एक नए प्रोजेक्ट जो कि 50% ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो चुका हुआ है अर्बन हाइट्स के नाम से, उसकी साइट लोकेशन पर मौजूद हैं उसकी पार्किंग एरिया में, तो आज माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन भी थी और दुआ भी की गई इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए। तो मनान भाई से हम अर्बन हाइट्स के हवाले से पूछेंगे कि ये आपका कैसा प्रोजेक्ट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट अमूमन लोगों का क्वेश्चन होता था कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें हमारी शॉप्स या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हम अंदर रह के किस तरह दें, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर भी और प्रोजेक्ट आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कमर्शियल शॉप्स हैं वो हमने 8 महीने में पोजेशन टाइम है, 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो जो 8 महीने के बाद पोजेशन हो उसके बाद आप अपना कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं और आप उसको रेंट पे भी दे सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वो जो लोगों की ज़रूरत थी उसको फुलफ़िल करने के लिए, और ये जो सेक्टर बी है ये बहरिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। सफारी विला जो बहरिया का पहला प्रोजेक्ट था उसकी भी चले आपके चैनल पर बता दें डेवलपमेंट हमने की थी जब ये बहरिया लॉन्च हुआ था। सफारी विला हमने डेवलप किया था एज प्राइवेट कंसल्टेंट, तो उसके बाद अब हमने अपने खुद के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। आपको पता है मदीना होम्स भी हमारे हैं, 200 विलाज हैं, और पाइपलाइन में ऐसे भी और प्रोजेक्ट हैं। तो ये प्रोजेक्ट उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर है जो ये चाहते हैं कि हम अंदर रहते हुए अपने किस्तें दें। बिल्कुल मनान भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये सुना आपकी टीम आपकी मैनेजमेंट से कि अगर अर्बन हाइट्स में डाउन पेमेंट के साथ पोजेशन अमाउंट भी अगर क्लाइंट पे कर देते हैं तो उनको कब्जा जल्दी मिल जाएगा और वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू। जी बिल्कुल, ऐसे क्या है कि 6 मंथ का टाइम है, जो भी बंदा डाउन पेमेंट के साथ पोजेशन पेमेंट दे देगा 6 मंथ में हम उसको उसके यूनिट का जो है वो पोजेशन दे देंगे। आपके सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 2 फ्लोर इसने ऊपर जाना है,
वो मुझे इंशाल्लाह 6 to 8 months लगने हैं और फिनिशिंग हम नीचे से शुरू कर देंगे। आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह 1 week के बाद, तो आपको यहाँ पे फिनिशिंग का काम होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। जी हम भी यही उम्मीद करते हैं। और मैं सिर्फ अपना लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा जो कि एंड यूज़र्स का होता है कि किसी भी हाइट के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके फ्यूचर पोटेंशियल को देख रहे होते हैं क्लाइंट्स कि हमें कितना कैपिटल ग्रोथ और जो ROI जनरेट होगी वो क्या होगी, तो काइंडली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसका फ्यूचर क्या है। देखें जी, ये आपने देखा होगा मेरे इन लाइन को, तकरीबन अगर आप प्लॉट कैलकुलेट करें तो 8 plots हैं, 8-8 मरला का, ये 64 मरला बनता है जी। और मैं क्योंकि पहले भी ये कैंपेन करता रहा हूँ तो यहाँ पे हम मार्केट्स डेवलप करेंगे, उसमें मोबाइल रिपेयरिंग मार्केट होगी, मोबाइल की होलसेल मार्केट होगी, कुछ हम सैलून्स के लिए मार्केट बनाएंगे, बेसमेंट जो है उसमें हम लोग प्रिंटिंग की एक प्रॉपर मार्केट डेवलप करेंगे। तो इस तरह की जब मार्केट्स डेवलप होंगी तो जो लोग बाय कर रहे हैं उनके लिए रेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो इंशाल्लाह 10% होगी, और जो लोग अपना बिजनेस करना चाहें वो पर्टिकुलर उस फील्ड में अपनी बेहतरीन बिजनेस कर सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आपका विजन बहुत ज़बरदस्त है और मैं इस वीडियो के तवस्सुत से मनान भाई के साथ इस वक्त मौजूद हूँ और इनकी माउथ वर्ड्स के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि बैरिया टाउन सेक्टर बी की बात की जाए तो फुली पॉपुलेटेड एरिया है, TMA से अप्रूव्ड है, LDA से अप्रूव्ड है, और डेवलपर जब आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज पेमेंट प्लान के अंदर दे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के अंदर दे रहे हैं, टाइमली डिलीवरी दे रहे हैं, बल्कि टाइम से पहले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपका पोजीशन, तो आपको डेफिनेटली ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को, चाहे वो कमर्शियल हैं या फिर रेजिडेंशियल है, उसको कंसिडर करना चाहिए। और CDB प्रॉपर्टीज़ की तरफ से, वकास नसीर साहब की तरफ से, मुजाहिद नसीर साहब की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज हैं, और मेरी तरफ से और CDB प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम की तरफ से हम आपको बेस्ट विशेज देते हैं आपके फ्यूचर गोल्स के हवाले से। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह जो CDB प्रॉपर्टीज़ की तरफ से बेस्ट हो सकेगा इंशाल्लाह हम आपके, इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो में मैं आपके क्लाइंट्स को और बाकी को भी बताना चाहता हूँ कि ये वकास भाई, तकरीबन 5-6 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है, तो जो कमर्शियल है वो 80% वकास भाई के पास है। मुझे भी अगर कोई क्लाइंट होगा तो मैं वकास भाई को रेफ़र करूँगा, तो हमारा वकास भाई पे पूरा ट्रस्ट है, मुजाहिद भाई पे, वकास भाई पे, CDB पे, और इंशाल्लाह ये अर्बन हाइट पर्टिकुलरली हमने CDB को कहा है कि आप इस पे फोकस करें और आप इसको डील करें, क्योंकि डेवलपर अगर खुद अपना सामान बेचे तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इंशाल्लाह वकास भाई से आप रब्ता करें, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करें। थैंक यू सो वेरी मच मनान भाई। और इस वीडियो के इख्तिताम में मैं अपने ऑडियंस को यही कहूँगा कि मदीना हाइट का कोई भी प्रोजेक्ट हो या फिर अर्बन हाइट हो तो आप इसको ज़रूर कंसीडर करें, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ बेस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज आपको CDB प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मनान भाई के साथ फिर किसी दूसरी लोकेशन पे ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और CDB प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।